गांडे प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में शनिवार को आत्मा गिरडी के सौजन्य से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में खेती उत्पादन एवं किसानों की समस्या के संबंध में चर्चा किया गया। क्षेत्र में पड़ती भूमि में लगाए गए मोटे अनाज मक्का कुर्ती अरहर मूंगफली आदि फसल की स्थिति रखरखाव एवं संभावित उपज के बारे में किसान मित्रों से जानकारी दी गई। इस क्रम में धान की खेती सिंचाई खाद एवं दवा के बारे में भी बताया गया। बीटीएम विजय प्रकाश ने कहा कि जिन लाभुकों को फिलहाल में सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपए की राशि नहीं मिल पा रही है, राशि प्राप्त होने में जो भी समस्या आ रही है उसे त्वरित रूप से सुधारा जा रहा है। उन्होंने किसान मित्रों से कहा कि आप सभी किसान मित्रगण अपने अपने क्षेत्र के किसानों को मोटे अनाज की खेती करने को लिए प्रेरित करें। चालू मौसम में लगाई जाने वाली फसल तथा खेती के मामले में सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा भी उन्हें जानकारी भी देना है। नियमित क्षेत्र का दौरा करने, किसानों से लगातार संपर्क स्थापित करने तथा उनकी समस्या संबंधित बातें संग्रह करने की बातें कही गयी। मौके पर ATM निर्मला कुमारी व सचिदानंद कुमार, किसान मित्र के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, किसान मित्र हेमंत झा, रौनक सिन्हा, मोहम्मद मुबारक, बेबी देवी, तालेश्वर यादव समेत अन्य कई किसान मित्र उपस्थित थे। किसान के लाभुक के जो जिनको मालिक 6000 रुपया नहीं मिल रहा है उनको देने के लिए, मालिक जिनको नहीं जा रहा है पैसा, उनका सूची मंगवा करके इन लोग को दे देंगे। कृषक मित्र सभी को ये अपना अपना गांव में जाएंगे और PM किसान का ऐप भी दे रहे हैं, तो वह ऐप से अपने भी कर सकते हैं और किसान को भी वो ऐप दे देंगे तो वो आपको किसान भी स्वयं कर लेगा उसका अपना जो EKYC या कोई भी चीज़ रहेगा वो कर लेगा, लैंड वेरिफिकेशन भी करेगा। और अगर वहाँ पर नहीं होता है तो CSC सेंटर है, वहाँ पर ऐसा कॉमन तो हो ही रहा था पहले से, लेकिन फिर ऐप कभी बंद हो जाता था चालू, लेकिन अब खुल गया है। जिनका जिनका जहाँ पर भी गलत है उसको सुधारा जा रहा है। इस साल मोटा अनाज के लिए घोषित किया गया है, तो इन लोग को कुछ बताएंगे मोटा अनाज के लिए कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा रोग तो हो रहा है मोटा अनाज नहीं खाने से। आजकल देख रहे हैं शुगर बहुत हो रहा है सब लोग, और मड़ुआ पहले खाता था सब आदमी, आवाज नहीं खाता है। बहुत सारा रोग के बचाव में उसका अथी है, काम करता है मोटा अनाज। हमारा देश में इस साल घोषित किया गया है मोटा अनाज के लिए कि मोटा अनाज को प्रोत्साहित किया जाए। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी गिरिडीह।